for HS first year and second year commerce tuition and become tuition, you can contact with me in this number 6001601899. So welcome students to another new video. So आज के वीडियो में बात करेंगे TDC के एग्जाम चल रहे, सो उसके पोस्टपोनमेंट या फिर कैंसिलेशंस को लेके, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग. सो क्या एग्जाम पोस्टपोन होंगे या फिर कैंसिल होंगे, क्योंकि जो हैवी रेन्स हो रहे हैं कुछ दिनों से, हर एक जगह पे फ्लड्स होने के चांसेस भी हो रहे. सो उसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स शेयर करेंगे. सो आप लोग क्या करना, हर बार की तरह वीडियो में अंत तक बना रहना. सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते. सो आसाम यूनिवर्सिटी के अंडर से जो TDC कोर्सेज चलते हैं उसके जो एफिलिएटेड कॉलेजेस से, ये बोराकवेली के 3 डिस्ट्रिक्ट तो है, काचर, हाइलाकंदी, करीमगंज, उसके साथ डिमासाओ और हुजाई डिस्ट्रिक्ट भी है, और साथ में अदर्स कुछ डिस्ट्रिक्ट के कुछ कॉलेजेस भी उसके अंडर में है. सो आसाम यूनिवर्सिटी के TDC के सारे जो एग्जाम्स हो रहे इन सारे डिस्ट्रिक्ट में हो रहे, क्योंकि इन सारे डिस्ट्रिक्ट के ज़्यादातर कॉलेजेस जो है आसाम यूनिवर्सिटी के अंडर से एफिलिएटेड है, जिनमें TDC कोर्सेज चलते. सो बोराकवेली में कुछ दिनों से हैवी रेन ओड़े, साथ में डिमासाओ में भी हैवी रेन्स ओड़े, और सामने भी कुछ दिन हैवी रेन्स होने के चांसेस है. सो पॉसिबल है फ्लड होने के चांसेस भी है, दिखाई दे रही है फ्लड होने के चांसेस भी हो सकते हैं अगर ऐसे ही हैवी रेन्स और 3-4 दिन कंटिन्यू चले तो. सो अभी स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में आ गए, क्योंकि पास के एग्जाम 19 से स्टार्ट होने जा रही है, क्या एग्जामिनेशन कंटिन्यू होंगे या फिर एग्जाम पोस्टपोन किया जाएगा या फिर एग्जाम को कैंसिल किया जाएगा. सो आसाम यूनिवर्सिटी हो या गवर्नमेंट हो, उनके तरफ से कोई भी ऑफिशियल अपडेट्स अभी तक नहीं आई है, और आसाम यूनिवर्सिटी जब डिसीजन लेने जाएंगे सो ये भी देखेंगे कि सिर्फ बोराकवेली नहीं, उनका अदर डिस्ट्रिक्ट जो है उनके कॉलेजेस भी उनके अंडर है. सो हर एक डिस्ट्रिक्ट को देख रहे, क्योंकि अगर एग्जाम कैंसिल करेंगे सो सिर्फ बोराकवेली के लिए एग्जाम कैंसिल या पोस्टपोन नहीं होगा, जितने भी एफिलेटेड कॉलेजेस सारे कॉलेजेस के TDC के कोर्सेज के लिए एग्जाम को कैंसिल या फिर पोस्टपोन किए जाएंगे. सो डिसीजन आने में लेट होंगे, आसाम यूनिवर्सिटी एग्जाम को कैंसिल या पोस्टपोन नहीं करेंगे अगर कोई गवर्नमेंट से ऑर्डर पास ना हो. काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ रहे थे क्या हम एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें या फिर नहीं, DMB आए कुछ कि एग्जाम के लिए सर हम प्रिपरेशन करें या फिर नहीं, क्योंकि अगर फ्लड हो जाएगा देन एग्जामिनेशन तो होगा नहीं, पोस्टपोन होगा, नहीं तो कैंसिल हो सकता है. सो TDC 6M के जो एग्जाम्स है वो कैंसिल या पोस्टपोन नहीं होंगे, ये एग्जाम हो गए, क्योंकि हर एक सिचुएशन में फाइनल ईयर के एग्जाम यूनिवर्सिटी लेते हैं, क्योंकि कोविड के टाइम में भी हमने देखा है उनके एग्जाम को कभी भी कैंसिल या पोस्टपोन नहीं किया गया है. सेकेंड सेम फोर्थ सेम में कुछ रिलैक्सेशन दे देते हैं, बस 6M के एग्जामिनेशन जो फाइनल एग्जाम हो रहे ये कंटिन्यू होंगे. सो ऑनर्स के अभी तक 4 एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं, सो आप लोग प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो. गवर्नमेंट से अगर ऐसे कुछ ऑर्डर्स आएंगे देन कुछ हो सकती है, अभी भी 3-4 दिन तो एटलीस्ट टाइम लगेंगे फ्लड होने के लिए, इतना जल्दी फ्लड के सिचुएशन नहीं आ सकता है क्योंकि गवर्नमेंट भी स्टेप ले रहे. सो आप लोग अगर प्रिपरेशन अभी से वीक कर दोगे देन एग्जामिनेशन देखते देखते मंडे से स्टार्ट हो जाएगी. सो इस बार जो क्वेश्चन पेपर भी हो रहे थोड़े घुमा फिरा के क्वेश्चन आ रहे, सो आप प्रिपरेशन अच्छे से करो. और मैंने कल भी एक वीडियो बनाए थे जिसमें टिप्स दिए थे कैसे कॉमन क्वेश्चंस आ सकते हैं आप लोगों का, उसको फॉलो करो, फॉलो करके अपने प्रिपरेशन अच्छे से करो. सो ऐसे जो भी अपडेट्स आते रहेंगे इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे. वीडियो अच्छे लगे वीडियो को एक लाइक एंड फ्रेंड्स में शेयर करना ताकि उनको भी कंप्लीट अपडेट्स मिले, और कुछ भी डाउट हो सर डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम के आईडी है, आप मुझे फॉलो कर दो एंड DM भी कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करके रख देना, और ऐसे आप स्टूडेंट्स मेरे साथ बने रहे, चल के साथ जुड़े रहे. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी.